मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासन वंदितु सर्व सिद्धे ध्रुवचल मनोवंगदिं पत्ते गोच्छामि समीपाहु नमः समय साराय सहानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्ष संसार सागर तारव जिन वाणी छे कालमा शुद्धात्म ज्ञानी सुकानी बहु बहु दोहलो। इस काल में शुद्धात्मा के जानने वाले ज्ञानी बहु बहु दोहलो, बहुत बहुत मुश्किल, बहुत असंभव जैसा है। शुद्धात्म ज्ञानी जिसने शुद्धात्मा को अपने अंदर अनुभूति पूर्वक जिसने जाना है, किताब से नहीं जाना, अनुभूति पूर्वक जाना, ऐसे ज्ञानी गुरु मिलना इस काल में
महादुर्लभ तीन लोक की संपत्ति मिले जिस पुण्य से उससे अनंत गुना पुण्य हो तो ये गुरु मिलता है। क्या कहा कोई रेशो है? उससे अनंत तीन लोक का राज तिलक तुमको हो वो पुण्य क्या होता है, और एक ज्ञानी गुरु मिलना ये पुण्य का होता है, बहुत भारी है उससे। और वो पुण्य का उदय मुझे पुण्य राशि फल्यो अहो वो पुण्य मेरे फल माने उदय में आ गया है, उदय में आ गए। गुरु कहां ने तू नाविक मिल्यो क्या कहते हैं देखो, उन्होंने तो शुद्धात्मा को जाना। अभी जो 144 गाथा गई उसमें पहले शुद्धात्मा को शास्त्र से आगम से जानना, भावार्थ में आया था ना कल सबसे पहली लाइन, टीका में आया था प्रथम, बार बार पढ़ना चाहिए ये बार बार। प्रथम में जो शब्द आई थी उसका जयचंद जी छावड़ा ने लिखा पहले, आत्मा का आगम ज्ञान से, आत्म ज्ञान से ज्ञान स्वरूप, आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय करके, आत्मा का आगम ज्ञान से क्या स्वरूप निश्चय करना, ज्ञान स्वरूप निश्चय करना कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ये निश्चय करना। क्यों करना? क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, जो है वैसे ही तो करोगे, उल्टा करोगे। फिर मति ज्ञान, जो दो पूंजी है ना आत्मा के पास, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान वो पूंजी नहीं है, अवधि ज्ञान पूंजी नहीं है, वो मति शुद्ध ज्ञान ही पूंजी है। अब उनको उसे क्या करना कि मति ज्ञान को पांच इंद्री और मन से खींचकर मर्यादा में लाना, आत्मसन्मुख करना। शुद्ध ज्ञान है तो शुद्ध ज्ञान का जो में जो विकल्प आए थे कि आत्मा इस नए से ऐसा है, इस नए से ऐसा है, ऐसे विकल्पों को, विकल्पों से विकल्प को तोड़ना, तो तोड़ने में क्या होगा कि उन निर्विकल्प आत्मा का अनुभव होगा। ये दोनों प्रकार की जो बुद्धियां हैं वो मर्यादा में लाकर आत्मसन्मुख करने से ये शुद्धात्मा का अनुभव होता है, ये सम्यक दर्शन होता है। इस प्रकार की विधि ये 144 गाथा में कही है। देखो इसको मैं पढ़ देता हूं पूरा का पूरा, फिर अपन इसका कलश पढ़ेंगे। पहले आत्मा का आगम ज्ञान से, आत्मा का, अब देखो ऐसे पढ़ने में अगर दूसरे थोड़ा अलग से पढ़े, पहले आत्मा का ज्ञान स्वरूप आगम ज्ञान से निश्चय करके, बातें की है बस समझने की, सब तरह से पढ़ना। पहले आत्मा का ज्ञान स्वरूप, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका आगम स्वरूप, उसका आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप आगम ज्ञान से निश्चय करके, फिर इंद्रिय बुद्धि रूप मति ज्ञान को, इंद्रिय बुद्धि रूप मति ज्ञान को ज्ञान मात्र में ही मिलाकर, ये ज्ञान मात्र क्या है, ये स्वभाव है अपना, ये ज्ञान स्वभाव है ये, वो मति इंद्री बुद्धि रूप मति ज्ञान को ज्ञान मात्र में ही मिलाकर तथा शुद्ध ज्ञान रूपी नयों के विकल्पों को मिटाकर, वहां पर मति ज्ञान को इंद्रियों से हटाकर शुद्ध ज्ञान में विकल्पों को मिटाकर, वो मति ज्ञान को इंद्रियों से हटाए तो मति ज्ञान का नाश नहीं होता है, वो ज्ञान ज्ञान आत्मसन्मुख हो जाता है, पर शुद्ध ज्ञान में जो विकल्प है उनका नाश होता है, उसको लिखा मिटाकर है विकल्प है किसका, ये विकल्प का नाश है ये, मैं आत्मा शुद्ध शुद्ध ने से ऐसा हूं, अशुद्ध ने से व्यवहार ने से ऐसा हूं, ये विकल्प का नाश करना, नाश करना ये
वो कैसे भी हो नाश को विकल्प नहीं होना, उसका नाम नाश। तो मति ज्ञान को मिटाना नहीं, हटाकर और शुद्ध ज्ञान के विकल्प को मिटाकर, ऐसा है शब्द। देखो हैं, हाँ तो वो थोड़ी करना है। जब आत्मा के विकल्प भी मिटा रहे तो मैं विकल्प मिटाऊं, ये विकल्प कहां से आया? ऐसा नहीं है, बस मिट गए सब। ये सन्मुख करने से मिटता है, पर ये होता है वो भी तो लिखेंगे ना कि तुमने आत्म मति ज्ञान को आत्म सन्मुख किया तो क्या हुआ कि वो ज्ञान अब बाहर के पदार्थों में नहीं जा रहा, आत्मा में जा रहा। और शुद्ध ज्ञान के विकल्प, वो शुद्ध ज्ञान को आत्म सन्मुख किया मत ने शुद्ध ज्ञान में जो विकल्प थे नए संबंधी, वो विकल्प मिट गए, ये हुआ। तो कैसे भी कहो उसको, हाँ मुख्य गुण ही था, बाकी की बात ही नहीं थी कि आत्मा इस नए से ऐसा, इस नए से ऐसा, ये विकल्प थे। वो जो वो स्थूल विकल्प था कौन सा, कि आत्मा कर्मों से बंधा है। स्थूल क्यों? स्थूल क्योंकि आत्मा ऐसा नहीं है, और जो आत्मा कर्मों से बंधा नहीं है ये सूक्ष्म, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ऐसा है, पर ये विकल्पों में स्वरूप नहीं है, इसलिए वो वहां से हटाकर। देखो शुद्ध ज्ञान को भी निर्विकल्प करके एक अखंड प्रतिभास का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के नाम को प्राप्त करता है। ये सब बात अपनी कल हो गई थी। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहीं अनुभव से भिन्न नहीं, अनुभवी के नाम है। जितनी पर्यायों में विकृति थी उनमें जो अभी निर्मलता हुई वो सब के सब अनुभव से भिन्न नहीं है। या तो मूल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की बात है, कोई भी पर्याय जितनी अशुद्ध चल रही थी उनमें जो उनके योग्य जितनी निर्मलता प्रकट हुई वो सब अनुभव से भिन्न नहीं है। अनुभव में सब समा जाता है, क्यों कि एक एक गुण का अनुभव नहीं होता है। रमेश जी एक एक गुण का अनुभव नहीं होता है, अखंड आत्मा का अनुभव होता है। देखो इस प्रकार ये 144 और इस अधिकार की अंतिम गाथा ये पूरी हुई। इसमें देखो 19-20 सितंबर से शुरू किया था कर्ता कर्म अधिकार। कितने दिन हो गए? करीब 3.5 महीने हो गए। हाँ करीब, हाँ 4 महीने, 4.25 महीने हो गए। देखो विकल्प का ज्ञाता कब होता है? जब अपने अपने अभी वो शास्त्रीय भाषा थोड़ा अलग रखे। विकल्प का ज्ञाता कब होता है? जब ज्ञाता किसी का भी कब होता है? जब अपने आप को ज्ञान स्वरूप माने, और अपने आप को ज्ञान स्वरूप कम मानता है जब अपने ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि हो तब। इसलिए विकल्प का ज्ञाता भी अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव पर दृष्टि पूर्वक होता है, नहीं होता कुछ भी नहीं होता। विकल्प का ज्ञाता हूं ऐसा कौन कह सकता है कि साहब सम्यक दृष्टि के तहत? पर सम्यक दृष्टि कब कहेगा? दो बात, एक तो वो ज्ञातापना लाया कहां से कि मैं इनका ज्ञाता हूं। जब तक अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का ज्ञान श्रद्धा नहीं हो तो ज्ञातापना कहां से लाया? वास्तव में तो जब तक उधर दृष्टि नहीं जाए तब तक वो कहे भले इसे शास्त्र के शब्द के मैं ज्ञाता हूं, करता ही है। अभी आने वाला है 3-2 का तीसरे कलश में, 95 कलश में आने वाला है। हाँ वो बिल्कुल तुम्हारा कर्ता कर्म अधिकार का रिवीजन है, वो 95 कलश जो है दो लाइन है। देखो अब यहां से कलश विकल्प का, विकल्प देखो विकल्प का नाश होता है वो स्वभाव की दृष्टि पूर्वक, और अस्थिरता जन विकल्प भी रहते हैं उनका अस्थिरता जन विकल्प का भी ज्ञाता हो स्वभाव की दृष्टि पूर्वक, उनका ज्ञाता भी दृष्टि पूर्वक
और नाश भी दृष्टिपूर्वक, दो ही बात है। माने जो कुछ भी होना है और सब स्वभाव की दृष्टिपूर्वक ही होना है। अब काय का पुरुषार्थ करना कमल जी, कौन सी दुकान खोलना है? अरे ये नहीं, दुकान खोल रखी है ना विकल्पों में, वो बंद करना है विकल्पों में जो खोल रखी है कि नहीं, वो विकल्प नाश करके बंद करना है बस ये है। शुद्धोपयोग की दशा में विकल्प का नाश नहीं होता है। आप जो कहोगे ना हम उससे उल्टी बात करें, और हमारी बात हम कहेंगे, हम कह रहे हैं वो सिद्ध है। जो शुद्धोपयोग की दशा में पूर्ण वितराग हुए बिना जो शुद्धोपयोग की दशा में, उसमें बुद्धि पूर्व विकल्प का नाश होता है। अभी सातवें गुण स्थान में संजलन कषाय है कि नहीं, उसका उस संबंधी बंद है, उदय है, कषाय है, उस दुख का दुख है, दुख का भोगना है, इतनी बात सातवें में है, तो कौन से निर्विकल्प? अरे कि बुद्धिपूर्वक, क्योंकि बुद्धिपूर्वक तो आत्मा को जान रहा है, ये नहीं है तो फिर ये कहां से आए? ये दुख का ज्ञान नहीं है उसको? सातवें में है पर बुद्धिपूर्वक नहीं है, इसलिए जरा सूक्ष्म बात है, थोड़ा हर चीज अपेक्षा से है। वहां निर्विकल्प दिशा अन्य विकल्प बुद्धिपूर्वक आत्मा को जा रहा है, तो बुद्धिपूर्वक विकल्प नहीं है, एक अपेक्षा है। दूसरी अपेक्षा कि बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक कोई भी विकल्प सम्यक दृष्टि को नहीं होते हैं। बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक विकल्प सम्यक दृष्टि को नहीं होते, क्यों? कि जिससे उसने नाता तोड़ लिया, भेद ज्ञान कर लिया, वो कौन सा विकल्प है उसको? ये सब अपेक्षा से बात है, और हमको हर जगह जैसी लकीर के फकीर नहीं होना, जिस अपेक्षा से जहां जो बात की जाए वहां समझना। हाँ, कर्ता बुद्धि नहीं है, इसलिए जिसका कर्ता नहीं है वो उसके खाते में कैसे आ सकता है? ज्ञान की अपेक्षा से, परिणमन की अपेक्षा से है, ज्ञान की अपेक्षा से अकेला नहीं है। संजलन कषाय रूप परिणमन है सातवें गुण स्थान में। अरे वो तो ज्ञान जानता है, ज्ञान की अपेक्षा एक भी गुण स्थान नहीं है। सूक्ष्म है बात, देखो देखो, अब ये एक कलश है, इसमें सात, अगले अधिकार शुरू होने के पहले सात कलश है, दो कलश तो ये गाथा के ऊपर के है और पांच कलश इस अधिकार की पूर्णता के ऊपर है, ऐसे सात कलश है। अमृत चंद्राचार्य ने सात कलश लिखे कर्ता कर्म अधिकार के अंत में, तो ये दो कलश जो है वो पहले अपन पढ़ते हैं। देखो पहले पहला नंबर का 93 नंबर का कलश, अक्रामन विकल्प भावमचलम पक्षैर्यानादिना सारो यः समयस्य भाति निवृत्तये रास्वाध्यमान स्वयं विज्ञानैकरसस एष भगवान् पुण्य पुराण पुमा ज्ञानं दर्शनवाप्ययं किमथवा यत्किंच नैकोऽप्ययम्। का आधार है
नयों के पक्षों से रहित, क्या कहते हैं ये तो प्रख्याति क्रांति की तीन गाथा है ना, नयों के पक्षों से रहित अचल निर्विकल भाव को प्राप्त होता हुआ, क्योंकि आखिरी विकल्प जिस संबंधी हो, सिद्धांत की बात, जो विकल्प जिस संबंधी हो, उन विकल्पों का जब नाश होता है तो जिस संबंधी ये विकल्प है उसी में लीन होता है वस्तु में, क्योंकि वो विकल्प किसके थे, आत्मा के थे। कैसे आत्मा, आत्मा फलाने ने से ऐसा है, इसने से ऐसा है, पर विकल्प आत्मा के थे। जब वो विकल्प टूटे तो निर्विकल्प काय में, निर्विकल्प किससे हुआ, किसके विकल्प छोड़कर हुआ, उसी में लीन होगा। जैसे कि रात वो शाम को दुकान बंद करके आए तो विकल्प काय के रहे, तो रात में सपने में भी दुकान में ही लीन होता है वो। हाँ, वो करके आते हैं ना, क्या कहते हैं मंगल। अब बताओ, मैंने तो पहली बार सुना अभी 2-3 साल पहले। तो एक सज्जन थे हमारे बगल में रहते, वो तो हम तो दुकान, और नाम भी उनका मंगल ही है क्योंकि हम मंगल करके आए। पहले तो मैं समझा नहीं कि मंगल करके आए मतलब, अपन तो मंगल समझते हैं कि शुरुआत करना, दुकान खोलना मंगल। ओके मंगल, मैंने कहा रात भर खोलते हो क्या दुकान, कि नहीं नहीं बंद करके। तो मंगल बोले आप, तो क्या मंगल उसी को कहते बंद करने को, तो खोल कर खोलने को क्या कहते हो फिर मंगल अशोक हाँ ये तो वास्तव में सही है, अमंगल में मंगल ढूंढते हैं, अमंगल में मंगल ढूंढते हैं, दुकान में मंगल है। ओहो, बंद करना हो कि खोलना हो कोई सा है भाई, ये तो दुकान बंद ही करना है इसकी, आत्मा की दुकान कैसे खुलेगी, बंद नहीं होगी तो फिर वास्तव में तो ये कहा जाता है कि बंद करना है, बंद ही है वो, तुम्हारे तो हिस्से में विकल्प ही है। ऐसे ही आत्मा एक के संबंध में विकल्प, उसका नाम नए के पक्ष से रहित अचल निर्विकल्प भाव को अपनी शुद्धात्मा में लीन रहे, ऐसे निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ जो समय का, समय माने आत्मा कहाँ आया है, समय माने आत्मा दूसरी में नहीं है उसके अर्थ किए कि सम और ए, तो दूसरी गाथा में किए वो है अर्थ किए। देखो, निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ जो समय का, आत्मा का सार प्रकाशित करता है, एक ऐसी चीज है सार प्रकाशित करता है, उस आत्मा में निर्विकल्प हुआ तो उसका अनुभूति और अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद प्रकाशित करता है, ये पर्याय में प्रकट होता है, जो स्वभाव में था और बाहर आ जाता है, प्रकट हो जाता है, कब उसमें लीन हो, उसमें निर्विकल्प हो जाए तो सार प्रकाशित करता है वह। यह समय सार माने शुद्धात्मा, यह समय सार शुद्धात्मा जो कि निवृत्त माने निश्चल, निश्चल निश्चल एक वो स्वभाव होता है, निश्चल एक स्वभाव निश्चल है, और एक उसमें निर्विकल्प हुआ कि अब विकल्प नहीं होंगे, तो वो निर्विकल्प रूप से निश्चल है, निर्विकल्प दशा अब चलायमान न होगी। कमल जी समझ में आया, एक तो स्वभाव तो त्रिकाल निश्चल है, पर्याय निश्चल हो जाती है, निर्विकल पर्याय उस स्वभाव में निश्चल है, उस स्वभाव को छोड़ती नहीं है वो। क्या है देखो, जोरदार है एकदम, क्योंकि उसी वस्तु के नए के विकल्प छोड़े तो उसमें लीन नहीं होगा, लीन होगा, लीन होगा तो ऐसा लीन हो कि उसमें निश्चल हो जाए। निश्चल स्वभाव अलग और पर्याय स्वभाव में निश्चल होना ये अलग,
तो ये निश्चल माने निर्विकल्प। देखो वह ये समयसार शुद्धात्मा जो कि निवृत्त निश्चल आत्मलीन पुरुषों के द्वारा जो उस शुद्धात्मा में लीन हो गए हैं उन पुरुषों के द्वारा ये आत्मा उपलब्धमान है, माने उनके द्वारा उस आत्मा का स्वाद चखा जाता है, उनको उसकी प्राप्ति होती है। उसमें जो कुछ भी संपत्ति निधान भरे हैं उनका प्रत्यक्ष अनुभव उस लीन होने वाले को होता है। क्या उसमें सुख नाम की शक्ति, ज्ञान नाम की शक्ति है, तो उस लीन होने वाले को पर्याय में अतींद्रिय ज्ञान और अतींद्रिय आनंद आता है। क्या है कलश देखो किसको, उसमें निश्चल होने वाले को। निश्चल कौन होता है, जो उसके नयों के पक्ष को छोड़ता है। नयों के पक्ष को कौन छोड़ता है, जिसने उस आत्मा का आगम ज्ञान से विकल्प में उसका यथार्थ स्वरूप जाना है। इतनी बात है। और रामायण वाला और महाभारत वाला निर्विकल्प हो सकता है उसमें, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां आत्मा का शुद्धात्मा का स्वरूप जैसा है वैसा कहा ही नहीं है। कहा ही नहीं है तो निर्विकल्प कैसे होगा वो, अरे समझ में नाम ऐसे ही नहीं है। शुद्ध ज्ञान को विषय, शुद्ध ज्ञान तो उल्टे सीधे विकल्प करते, जो उसमें है ही नहीं उसके विकल्प करे, अब काय में निश्चल होगा वो। निश्चल हुआ तो उसमें जो निधियां भरी है उसका उसको वेदन होता है। इसका नाम है कि सार प्रकाशित करता है। अब देखो आस्वाद मान है, उसका स्वाद चखता है, वो अनुभव में आता है। ऐसा शुद्धात्मा उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी को जिसने शुद्ध ज्ञान के विकल्प को भी छोड़ दिया है उसको शुद्धात्मा का आस्वादन होता है। वह विज्ञान ही जिसका एक रस है, माने क्या ये सुख क्यों नहीं कहा, दर्शन क्यों नहीं कहा, विज्ञान ही जिसका, क्योंकि ज्ञान स्वभाव आत्मा का ऐसा है, सुख स्वभाव भी है, पर सुख जो है सुख गुण आत्मा के बाकी अनंत गुणों को नहीं जानता है, पर ज्ञान गुण है, ज्ञान स्वभाव है, वो आत्मा के अनंत गुणों को भी जानता है। इसलिए ज्ञान को आत्मानुभव की, आत्मा समझने की पूंजी कहा जाता है। ज्ञान को पूंजी कहा जाता है, ज्ञान को लक्षण कहा जाता है। क्यों लक्षण कहा जाता है, क्योंकि वो सबको जान सकता है। ज्ञान अपने को भी जान सकता है, अनंत गुणों को भी जान सकता है, बाकी के गुण ना अपने वो जानते नहीं है, जानने का काम उनका नहीं है, दूसरे को भी नहीं जानते अन्य गुणों को, तो ज्ञान जानता है। ऐसा विज्ञान, विज्ञान ही जिसका देखो एक रस, रस माने वास्तव में स्वभाव है, रस है, ऐसा भगवान है। क्या शब्द लिया अमरचंद्राचार्य, 72 गाथा में तो 3-3 भगवान देखे थे ना, 72 गाथा में 3 जगह भगवान है। यहां कहते हैं ऐसा ऐसा भगवान है, कैसा भगवान है, विज्ञान ही जिसका एक रस है, ऐसा ऐसा भगवान है। ये भगवान का अर्थ क्या होता है, भगवान है लक्ष्मी, वान माने वो, तो भगवान तो महावीर भगवान है ना, है और कौन से भगवान है, भगवान सबसे पहला मेरे लिए भगवान मैं हूं, ये उस भगवान अपने अपने भगवान आत्मा की बात है। ये 24 भगवान नहीं है, ये भगवान कहे तो उसको 24 याद आए, बार बार कहे कि तुम भगवान तो बगल में देखे कोई कौन बैठा है भगवान, ये 24 पे निगाह जाए या बगल वाले पे निगाह जाए, एक पर कहा तो तेरे से है, उसको विश्वास ही नहीं होता है कि मेरे को कोई भगवान कहने वाला है जगत में, अपने को ही कहा है। ऐसा भगवान है। अब देखो
पवित्र पुराण पुरुष है। ये पवित्र पवित्र तो शब्द बराबर है, शुद्ध है, जिसमें पर और पर्याय माने राग की जिसमें किंचित भी मलिनता नहीं है, ऐसा ऐसा पवित्र है। ये पुराण में माने है, पुराण माने पुराना, पुराना माने कब का, अनादि का है। ये जो पुराण होते हैं ना, उनमें भी पुराने पुरुषों की नाम कथा होती है, इसलिए पुराने पुरुषों की कथा होती है, इसलिए उसको पुराण कहते हैं। तो ये आत्मा उसमें जो कथा है, पुराणों में जो कथा है, वो इस अवसर्पणी के पहले की कथा नहीं है। तो ये कथा जिसकी है, जिसने अनंत अनंत उत्सर्पणी अवसर्पणी देख ली है, कौन ने जितेन जी ये है असली पुराण, असली पुराण पुरुष तो ये है। वास्तव में जहां से हजार दो साल दो हजार साल पुरानी कोई चीज मिल जाए उसको कैसा लगता है, विदेशों में तो पागल है लोग, पागल है। वो कौन सी चीज थी, ये कौन सी चीज थी, एक वो बहुत पुरानी हो गई तो फेंक दी। अरे वो तो फेलो हो गई सोगनी में। अभी जो सबसे पहले मोबाइल आए थे ना, सबसे पहले सन कौन से 95-96 में आए थे, 96 में दिल्ली में देखे थे, पहले अपने यहाँ नहीं आए थे उस टाइम, तो 96 में देखे। अभी कोई का पास 96 का मोबाइल हो तो आईफोन से ज़्यादा महंगा ले खरीदेगा कोई। ऐसे पुरानी चीज़ें जो है, पर ये अनादि का पुराना है, ये इसे रत्ती भर पसंद नहीं आता है। ये कितना पुराना है, ये अनादि का है, ये ऐसा पुराण पुरुष। राजी समझ में आया, इतना पुराना है ये पसंद ही नहीं आता है। इसकी दृष्टि में तो वो नई नई चीजें आती है। यहां कहते हैं ये ही देखो पवित्र पुराण पुरुष है, चाहे अब उसको किसको, जो इतनी शब्द आई ना, एक तो वो अनुभव में आता है, दूसरा ऐसा भगवान है, तीसरा पवित्र पुराण पुरुष है, उसको उसको उन तीनों का अर्थ माने अपने शुद्धात्मा को ज्ञान कहो, ज्ञान कहो या दर्शन, वह यही समय सार ही है। अभी अभी अमृतचंद्राचार्य ने उसको दर्शन और ज्ञान की जगह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहा था, है ख्याल, उसी को समय सार को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान संज्ञा है। यहां पर कलश में सिर्फ दर्शन और ज्ञान अलग नहीं है कोई बात, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी घटता है और दर्शन और ज्ञान भी घटता है, आया समझ में। नहीं 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 उसकी बात नहीं है, उसकी बात नहीं है सामान्य अवलोकन की, सामान्य अवलोकन की बात समय सार में बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा बात नहीं है। जहां जहां उपयोग की बात करते हैं वहां थोड़ा थोड़ा आता है, बाकी बहुत दर्शन की बात नहीं है। क्यों करें दर्शन की बात, एक तो जो जिससे आत्मा का अनुभव होता है ऐसे ज्ञान के पहले ही वो हो जाता है, दूसरा उसमें कुछ विकारी नहीं होता है तो काय की चिंता करें हम उसकी, उससे आत्मा पकड़ में भी नहीं आता है, उसमें विकार भी नहीं होता है। हाँ एक उपयोग लक्षण लेते समय उसका नाम आता है बस, है ना, बस वही है बात है, यही बात है। अभी कोई सी गाथा आई थी ना, मुझे ख्याल नहीं आ रहा, एक गाथा आई थी जिसमें जानते पहले उसमें देखते हुए में श्रद्धान घटाया था, देखते हुए की बात की कि ये तो सम्यक दर्शन की बात है। अब बताओ वो दर्शन को अवलोकन वाले के शब्द प्रयोग किए वो घटाए श्रद्धा में, अभी आए थे, अभी अभी आया था। देखो नहीं नहीं दर्शन पुरुषार्थ, दर्शन में दर्शन पुरुषार्थ है ही नहीं, वास्तव में ज्ञान के पहले हो जाता है, बस इतनी बात है, ज्ञान के पहले हो जाता है, पर वो भी छद्मस दशा में, केवली को नहीं, केवली को तो युगपद है, ज्ञान दर्शन युगपद है केवली को, पर
संप्रदाय के लोग तो उसको एक बार में एक ही मानते हैं, एक बार के एक दर्शन है फिर ज्ञान है, एक दर्शन वो क्योंकि किस शास्त्र में लिखा है, पर शास्त्र में छद्मस्त के लिए लिखा है, शास्त्र में जो लिखा है बात सच्ची है, शास्त्र में जो लिखा है ना कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है वो छद्मस्त के लिए है, केवली के लिए नहीं है, क्योंकि केवली के सारा आवरण का नाश है, नाश है तो फिर युगपत क्यों नहीं जाने, जैसे युगपत जानता है वैसे ही युगपत देखता है, जैसे युगपत जानता देखता है वो तो अलग अलग विषय, पर जानना देखना भी युगपत है, क्या फिर है, एक ही बात हो जाएगी वो तो। देखो ज्ञान कहो या दर्शन कहो वह यही समय सार ही है, अधिक क्या कहे, समेटना है ना बात, अधिक क्या कहे, जो कुछ है सो यह एक ही है, क्या एक ही है, ए आत्मा एक ही है, ए अपना आत्मा ए एक ही है, जगत में कोई एक भी पदार्थ है तो वो एक है, वास्तव में इस अपनी आत्मा की दृष्टि करने के लिए ये पहले विकल्प आत्मज्ञान में ये सोच ले कि जगत में पदार्थ छह नहीं है, अनंत नहीं है, एक ही है और वो मैं हूँ, ऐसा जब तक नहीं मान, हाँ वो भगवान ने तो छह कहे अनंत कहे, अरे रहने दे उनके ज्ञान में, उसको अभी तेरे ज्ञान में मत ला, तेरे ज्ञान में तो तू एक ही ला, उनके ज्ञान में भी अनंत कब आए हैं, जब उन्होंने एक को लाए हैं, पहले तू एक को ला तेरे भी आ जाएंगे, तू उनकी चिंता मत कर, तेरे में भी सब आ जाने वाले हैं, कहीं भगने वाले नहीं है, और उनसे होएगा क्या फायदा, क्या होता है, अनंत पदार्थों को जान ले उससे क्या होता है आत्मा को, कोई लाभ नहीं होता है, कोई लाभ होगा भी नहीं, क्योंकि परद्रव्य से आत्मा को कुछ लाभ या नुकसान नहीं है। देखो हाँ भले अन्य जीवों में हो पर तेरा ज्ञान दर्शन थोड़ी है वहां, तेरा ज्ञान दर्शन नहीं है वहां, हाँ पर हम करें जब उसकी है वैल्यू तो, पर हमने तो अनंत, अब इसकी जिसकी वैल्यू करना चाहिए उसको छोड़ के बाकी सबकी वैल्यू की है और खुद का वैल्यूएशन खत्म हो गया है। देखो अधिक क्या कहे, जो कुछ है सो यह एक ही है, एक ही है का अर्थ एक मेरा शुद्धात्मा ही है बस, मात्र भिन्न भिन्न नाम से कहा जाता है, यहां किस नाम से कहा गया, देखो कितने नाम कहे गए, आस्वाद्यमान है, विज्ञान ही जिसका एक रस है ऐसा भगवान है, पुराण पवित्र पुराण पुरुष है, और फिर कहा कि वही दर्शन है वही ज्ञान है, इतने नाम कहे, इतने नामों का वाच्य कौन, एक अपना आत्मा बस ये वाच्य है, बाकी कोई आत्मा नहीं है, जो कुछ है सो यह एक ही है, मात्र भिन्न भिन्न नाम से कहा जाता है एक चीज। अब देखो अब यह कहते हैं कि आत्मा ज्ञान से च्युत हुआ था, ज्ञान से च्युत हुआ था, इसका अर्थ क्या है कि अभी सम्यक दर्शन हुआ है, कर्ता कर्म अधिकार पूरा हुआ, पक्षातिक्रांत हो गया तो होगा ना सम्यक दर्शन, अभी कहते हैं कि ये आत्मा ज्ञान से च्युत हुआ था सो ज्ञान में ही आ मिलता है, ये बात दृष्टांत से द्वारा इस कलश में 94 नंबर के कलश में कहते हैं कि कैसे वो अच्युत हुआ था और कैसे आकर के मिल गया, बहुत सुंदर दृष्टांत से ये बात कही गई। हाँ हाँ वो तो अज्ञान की थी ना गाथा, तो हाँ वो च्युत हुआ था कैसे कि वो आश्रमों को अपना मान लिया तो च्युत हो गया, अब यहां कहते च्युत हुआ था पर वापस आ गया है, ये बात कहते हैं। देखो क्योंकि वो शुरू की गाथा थी, ये अंत का कलश है। दूरम भूरि विकल्प जाल गहने भ्राम्य योग
योगाश्चयुतो दूरादेव विवेक निमग्न मना नीतो निजोघं बला विज्ञानैकरसस्तदेकरसिना मात्मान मात्मा हरन् आत्मन्येव सदा गतानुगतता मायात्मयं तोयव। सटीक जो है इसमें उदाहरण है, देखो इस ये सबके परिचय बहुत परिचय वाला उदाहरण है ये। जैसे पानी अपने समूह से च्युत होता हुआ दूर गहन वन में बह रहा हो, जो बाढ़ आती है ना बाढ़, तो बाढ़ आने पर पानी पूरा भर जाता है, तो वो बहुत पानी कहीं उस नदी से साइड से निकलकर जहां ढलान होती है उधर कहीं भी चला जाता है, जंगल में चला जाता है, ऐसे समझ में चला जाता है वो, क्योंकि बहुत भरा है ना, भरा है वो जल उसमें। ऐसे जैसे पानी अपने समूह से अब वो जो मेन नदी है, ये उदाहरण ही है ये, तो मेन नदी से वो थोड़ा सा पानी पूरा नहीं, पूरा तो नदी में ही चल रहा है, थोड़ा सा पानी ओ उधर उधर जाने लगा। अब देखना अपने समूह से, माने ओरिजिन जो नदी का पानी है वो, उसे समूह से च्युत होता हुआ दूर गहन वन में बह रहा हो, उधर चला गया, बहुत दूर चला गया वो पानी, उसे दूर से ही ढाल वाले मार्ग के द्वारा अपने समूह की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए, अब वहां चला गया, फिर आप कोई ऐसा नाली वाली बना के या जो भी उसको ढलान वाला रास्ता बना के और वापस उसी नदी में आके मिला दो, ऐसा बस इतना ही उदाहरण है ये, इतना ही उदाहरण है ये। देखो जैसे पानी अपने समूह से च्युत होता हुआ दूर गहन वन में बह रहा हो, उसे दूर से ही ढाल वाले मार्ग से, दूर से ही माने वो दूर चला गया ना, वहीं से ढाल वाला मार्ग दूर से ही बनाए, मार्ग के द्वारा अपने समूह की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जावे, तो फिर वह पानी पानी को पानी के समूह की ओर खींचता हुआ वापस, जैसे वो मिला तो जैसे ये प्रवाह चल रहा था तो वापस प्रवाह में आ जाता है, वापस उसी प्रवाह जिससे च्युत हुआ था उसी प्रवाह में फिर, कि वो तो लाए और उसमें मिला के प्रवाह में आ गया है, मिलते ही प्रवाह में आ जाता, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रवाह से ही च्युत हुआ था। देखो तो फिर वह पानी पानी को पानी के समूह के ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर अपने समूह में आ मिलता है, इसी प्रकार अब उसमें मिल गया और जैसा था पहले बह रहा था ऐसा बहने लगा, इसी प्रकार अब ये यहाँ आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा भी अनादिकाल से क्या करता रहा और आज क्या किया इसने। देखो इसी प्रकार यह आत्मा, कौन सा आत्मा, अपना आत्मा, सब अपनी अपनी आत्मा की खोजना, इसी प्रकार यह आत्मा अपने विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होकर
माने विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होकर, इसका अर्थ ये नहीं समझा कि जो आत्मा का स्वभाव है उसमें से कुछ गुण चले गए हैं, ये नहीं है अर्थ। यहाँ कुछ गुण बाहर निकल के चले गए फिर वापस उसमें मिल जाएंगे, ये नहीं है बात। अपने स्वभाव से च्युत हुआ माने उसके ज्ञान श्रद्धान में आत्मा नहीं रहा, उसके ज्ञान श्रद्धान आचरण में आत्मा नहीं रहा, बदल गई वो इधर की बजाय आत्मा की बजाय और पर पदार्थों में चली गई, राग द्वेष में चली गई, पुण्य पाप में चली गई। अपने विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होकर प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में, अभी देखो हम कह के वो परिणति आत्मा को छोड़कर, आत्मा की परिणति आत्मा को छोड़कर दूर चली गई। यहां दूर का अर्थ है कि वो परिणति सिर्फ आत्मा के ही विकल्पों में रहना, इसका नाम दूर जाना है। ये प्रासंगिक अर्थ लेना, यहां कहां जाएगी वो, ये परदर्व संबंधी वगैरह कुछ बात नहीं है यहां। ये क्योंकि ये पक्षाति क्रांत की गाथाओं के बाद का कलश है ये। दो गाथा यही थी, 43 और 44, क्योंकि 42 के बाद तो 23 कलश कहे थे। 43 और 44 जो प्रख्याति ग्रंथ की गाथाएं है, एकदम अपूर्व नहीं आया था उसमें। 43 गाथा का भावार्थ में तीन प्रकार के याद है, कौन? हाँ, केवली नहीं, तीन भावार्थ में लिए, 143 गाथा के भावार्थ में। एक तो जो विकल्प में ही है अभी, एक जिसने विकल्प में मुख्य गौण कर लिया है, और एक जो विकल्प छोड़ दिए है, हाँ निर्विकल्प हो गया। ऐसे सूक्ष्म है थोड़ा विषय, तो ये बार बार पढ़ो तो ख्याल में आए, ऐसा बाद में नहीं रहेगा ख्याल। ये तीन समझ में नहीं आएंगे जो उसने निकाले ना भावार्थ में, आप बिल्कुल इस गाथा के टच में नहीं रहो, आपको नहीं अर्थ निकलेगा, वो नहीं निकाल सकते। देखो ऐसे विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होकर प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में प्रचुर विकल्प जाल माने इसने से ऐसा है, फलाने ने से ऐसा है, तो 20 के तो नाम लिए। ऐसे इन विकल्प, दूसरे परद्रव्य के विकल्प वगैरह नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि आत्मा से छूटा है तो आत्मा में के ही विकल्प करता है, क्योंकि अब वो अलग हो गया है, च्युत हो गया है, तो फिर मिलाना भी तो है कि नहीं। और तुम दुकानदारी के विकल्प में ले जाओगे तो फिर कहां मिलेगा नहीं है समझ हाँ, यो स्त्री पुत्रादि के विकल्प में ले जाओ फिर नहीं मिलेगा वो, अरे पंच परमेश्वरी के विकल्प में ले जाओ तो भी नहीं मिलेगा वो, तो फिर उसको वहां मंदिर से छोड़ के स्वाध्याय बनाना पड़ेगा वो तो दूसरे क्षेत्र में चला गया है, वो तो भटक गया, अब आ भी नहीं सकता है वो। परद्रव्य में नहीं, सिर्फ आत्मा संबंधी नयों के विकल्प, ये प्रचुर विकल्प है। परद्रव्य के विकल्प नहीं, भगवान का नाम स्मरण करना ये विकल्प नहीं बहुत कड़क बात है, अब तो समझे भगवान का नाम ले लिए। आज तो गुरुदेव ने कितना कहा था, ये ध्यान दान पूजा आदि के विकल्प, इसमें आत्मा कहाँ है, कितना जोरदार था। हाँ उल्टी परिपाटी है ये, उल्टी परिपाटी है ये। ओहो, भगवान का नाम स्मरण उल्टी परिपाटी है, जो कभी सुना जिंदगी में हाँ ये उल्टी परिपाटी है, व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा, ये उल्टी परिपाटी है ये, कितना गजब है ये। सोचो जरा, सोचो कि ये शब्द का अर्थ बताने वाला आदमी हमें नहीं मिला होता तो हम भी तो इन्हीं में उलझते, और इस उलझन का फल संसार चाहते,
कि ए भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं तो मेरा परिवार ठीक रहे, मेरा दुकानदारी ठीक रहे, मेरी रिश्तेदारी सब ठीक रहे, ये चाहते संसार चाहते उससे। ये तो कोई महाभाग्य से ये बात परम सत्य की कान में पड़ गई है क्या? हाँ केवलिश आया ना, वो बताया ना कि कुंद कुंद आचार्य ने तो समय सार में सिर्फ सुतकेवली कहा है, अमृतचंद्र ने दो और की, पर नियम सार में तो केवली सुतकेवली वणिदम, नियम सार की मंगलाचरण की गाथा में, और केवली सुतकेवली कहा। और यहाँ यहाँ गुरुदेव ने क्या अर्थ किया, श्रुत केवली समय सार में शुद्ध केवली कहा, उसका अर्थ गुरुदेव ने क्या किया है, उन्होंने किया है कि कुंद कुंद आचार वहां गए थे तो दिव्य ध्वनि तो टाइम टेबल से चलती थी, इसके बाद उनको भोजन का विकल्प था नहीं, 8 दिन उपवास में थे, तो बाकी समय क्या कर किया उन्होंने के श्रुत केवलियों से चर्चा की है, इसलिए लिखा श्रुत केवली भणिदम। उनसे कि सोचो जरा, यहाँ के संत अभी 2000 साल पहले के संत, भावलिंगी संत, वहां जाए और केवली को सुने और श्रुत केवली द्वादशांग के पाठियों से चर्चा करे और वो माल लाके तुमको दे, कितना है देखो। हाँ नहीं मानते ना, आज तो बहुत बात की गुरुदेव ने, बहुत बात की आज तो है। आपको दिव्य ध्वनि का स्वरूप पता है, दिव्य ध्वनि एक ओमकार शब्द कहने से निरक्षरी भाषा कही जाती है, वो निरक्षरी कही जाती है, और जब वो भगवान के मुख से तो कहा जाता है क्योंकि अपने मुंह से निकलती है, अपन कहते हैं मुख से नहीं निकलती है, वो सर्वांग निकलती है, वहाँ से जो निकलती है वो अर्धमागधी होती है और वो ट्रेवल में, और फिर जब वो श्रोता के कान में पड़ती है तो जो वो समझता है उस भाषा में ट्रांसलेट होकर पड़ती है, तो कहाँ प्रॉब्लम है बताओ तो। हाँ 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 उनकी नहीं है देवी ध्वनि, हाँ वो सब इसी प्रकार की भाषा में होती है चर्चा, जो वो आपस में कहे और समझ ले वैसी भाषा में होती है, उसमें ज्यादा अपने को विचार नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ चार ज्ञान की धारी उसके वो उस पर चर्चा योग नहीं, जैसी भाषा में समझ सकते हैं बोल सकते हैं वो भाषा उनके बोलते और समझ में आती। अब मैं पूछता हूँ आपसे, स्वर्ग में कौन सी भाषा है बोलो, और मनुष्य पर्याय से ज्यादा स्वर्ग में रहे हो, वहां की भाषा बताओ आप कौन सी भाषा है। हाँ ओके साहब, बच्चे को नहीं आती तो वहां कोई पाठशाला थोड़ी है कि उसको ABCD सिखाए वहां। ए सब जहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार सबका वहां उस योग परिणमन होता है। देखो आइए, यहां मूल बात यह है, अपने विज्ञान घन स्वभाव से च्युत होकर प्रचुर विकल्प जालों के गहन, उसको कहा गहन वन, जिसमें जैसे वृक्ष बहुत होते हैं ना ऐसे वहां उलझ जाए, ऐसे यहां पर ये विकल्प जाल, नयों के विकल्प जाल में उलझता है, गहन वन है ये, उसको कहा फलाने ने से ऐसा है, फलाने ने के अभी तो नए कितने अनंत, क्यों के वस्तु में धर्म अनंत है, अनंत धर्म है, तो वो एक एक धर्म को कहने वाला एक एक नए है, ऐसे विकल्प जालों के गहन वन में दूर परिभ्रमण कर रहा था। माने देखो क्या कहते, आत्मा के ही विकल्प में है तो भी कहते दूर, क्योंकि आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा था, क्योंकि दूर परिभ्रमण कर रहा था, वो आत्मा से दूर था, आत्मा के विकल्पों में भी आत्मा से दूर था। देखो यहां तो आत्मा के विकल्प में लाए तो
तो ऐसा लगता है कि हम आत्मा से दूर हो गए, और दुकानदारी के परिवार के पैसे धेले की बात करें तो ऐसा आत्मा के समीप आ गए हैं। क्या बड़नगर? हाँ, रस पड़ा है उसमें। वो पैसे की चर्चा, दुकानदारी की चर्चा आप पंचायत में बिठा दो तो 10 घंटे भी कम पड़े, और इधर 1 घंटे से 5 मिनट ऊपर हो जाए तो 10 बार घड़ी देखे कि ये कांजी स्वामी वाले हैं। कांजी स्वामी बेचारे देखो कितने एकदम मिनट टू मिनट करते थे, और ये उनको 5 मिनट ज़्यादा हो गए, इनको चिंता नहीं है पब्लिक। तुम्हें चिंता तुम्हारी ज़्यादा, इसलिए 5 मिनट ज़्यादा कर दिए। वो रोज ही गड़बड़ होती थी 2-4 मिनट। देखो अपने विज्ञान घन स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए। यहाँ जल में तो अभी सब आएगा कि जल को तो बलपूर्वक वो ढलान वाले मार्ग से मोड़ दिया जाए। एक आत्मा के संबंधी विकल्प को कैसे मोड़े, कि वो मोड़ना कैसा है कि जिसके विकल्प है उसी की तरफ दृष्टि ले जाए। ये मुड़ गया वो, बस इतना मुड़ गया वो, ये कहते हैं। देखो बलपूर्वक मोड़ दिया गया, इसलिए केवल विज्ञान घन के ही रसिक पुरुषों को, जिसको आत्मा के रसिक पुरुष है उनको, उनका वो स्वयं अपने आप आत्मा की तरफ मुड़ जाता है। ऐसे विज्ञान घन के ही रसिक, विकल्पों के रसिक नहीं, स्वभाव के रसिक नहीं, परद्रव्य के रसिक नहीं, 5 इंद्रिय के भोग के रसिक नहीं। ये तो 5 भोगों में सुख और पुण्य, भोगों में मजा और पुण्य में धर्म, ऐसे मानने वाले नहीं, ये रसिक नहीं है। ये है तो ये मान्यता छोड़े पहले, वो तो उसमें बल लग रहा है अभी, तो वो पसंद ही नहीं आ रहा है आत्मा। तो उसके लिए कहा ना सबसे पहले कि आगम ज्ञान से शुद्ध आत्मा का स्वरूप जानना, और जब तक स्वरूप विकल्प में नहीं जानेगा तब तक आत्मा पसंद होने का चांस ही नहीं है। पहले विकल्पात्मक ज्ञान में, कोई भी चीज अपन खरीदते बाजार में तो उसके बहुत विकल्प कर करके निर्णय करते, पहले विकल्पों में निर्णय होता है, फिर पैसा देते हैं और फिर यूज करें तब मजा आता है। इसके पहले थोड़ी मजा आता खरीदने में, पहले उसको विकल्प में निर्णय करता है कि ये मेरे काम की चीज है। ऐसे आगम से ये माने कि शुद्ध आत्मा ही अनुभव करने लायक है, ये विकल्प में करे, ऐसे यहां कहते हैं। देखो ये इसलिए कि हर चीज में उसको उल्टा करने में बल लगता है, तो यहां बल क्या है, ये हमारा ज्ञान है बल, उसको ज्ञान को प्रसाद कहो। वो बल माने जिस ज्ञान में आत्मा उपादेय लगता है वो है, और जब तक उपादेय नहीं लगेगा तब तक मुड़ेगा नहीं, वो विकल्प ही उलझा रहेगा। और विकल्पों का ऐसा स्वभाव है कि ये जिसके विकल्प है वो थोड़ी देर उसके विकल्प रहेंगे, और वो टूट के या तो उस जिसके विकल्प है उसमें लीन हो जाए, या वो विकल्प का विषय बदल जाता है। बहुत देर आत्मा के विकल्प नहीं चलते हैं, इसीलिए मुनिराज का 6ठे गुणस्थान में आत्मा संबंधी विकल्प होते रहते हैं, और थोड़े अगर उसी 6ठे गुणस्थान के काल में वो शुद्ध आत्मा में लीन न हो तो महाव्रत के परिणाम आ जाते हैं। महाव्रत के परिणाम भी नहीं टिक पाए तो शास्त्र लिखने का परिणाम आ जाता है, शास्त्र लिखने का परिणाम में भी नहीं टिके तो प्रवचन का परिणाम, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं, उसमें बीच में आहार का भी आ जाता है। इससे आगे के विकल्प का काल चला जाए तो गुणस्थान नीचे आ जाएगा, इसके बाद वो आहार में चले गए तो आहार करते करते वो विकल्प तोड़ के आत्मा में चले जाते हैं, क्योंकि वो विषय बदलता है। क्यों कि ये फिर विकल्प, अगर वो आहार के विकल्प भी छोड़कर आत्मा में न जाए तो फिर अणुव्रत के विकल्प आ जाएंगे, फिर भगवान की पूजा आदि के विकल्प आ जाएंगे, वो चौथा आ जाए तो फिर और भी
कहो कि पाप के विकल्प आ जाए, सम्यक दर्शन रहे भले ही से, समझ में। इसलिए वही विकल्प टूटकर आत्मा में लीन होते हैं। देखो, विज्ञान घन के रसिक पुरुषों को जो एक विज्ञान रस वाला ही, एक विज्ञान रस वाला ही अनुभव में आता है, क्योंकि दृष्टि कहां गई, विकल्प उस संबंधी शमन हो गए, उसमें लीन हो गया है, तो उसको उसका एक विज्ञान घन विज्ञान रस वाला ही अनुभव में आता है, दृष्टि वहां जाकर निश्चल हो जाती है, आता है। ऐसा वह आत्मा, देखो आत्मा को, वह आत्मा आत्मा को आत्मा में खींचता हुआ, तीन आत्मा है, दो नहीं है, आत्मा को आत्मा में, ये जो आत्मा है ना, दो आत्मा, पहला नहीं दूसरा तीसरा नंबर, एक द्रव्य है एक पर्याय है, और पहले वाला कौन है, पहले वाला जो ऐसा काम करे, अभी करना, जो ऐसा काम करे वो कौन, वो जो ऐसा काम है करने वाला वो पहला आत्मा, वो क्या काम करता है कि आत्मा में आत्मा को खींच कर ये करता है, वो जो करता है ऐसा वो पहला आत्मा, ऐसा समझ में। देखो हाँ बराबर है, बस देखो देखो जो पहला है ना, ऐसा वह आत्मा, ये जो आत्मा है वो ऐसा करने वाला है, हाँ, आत्मा को आत्मा में खींचता हुआ, अर्थात ज्ञान ज्ञान को खींचता हुआ, एक ज्ञान में जो अभी विकल्प चलते थे शुद्ध ज्ञान आदि के, वो विकल्प तोड़कर ज्ञान स्वभाव आत्मा आ जाता है, खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर उसमें मिल जाता है, वो होकर सदा विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है, और अपने स्वभाव में मिल जाता है, इसका अर्थ कि विकल्प को तोड़ करके अपनी शुद्धात्मा में लीन हो जाता है। ऐसा कहा है, ये दो दो कलश है ना इस गाथा के, 144 गाथा के ऊपर के दो कलश है, अभी पांच कलश तो अधिकार एंड वाले कलश है ये, अभी यहां कहते हैं कि ऐसा विकल्प तोड़ करके अपनी शुद्धात्मा के संबंध में जो विकल्प थे उनको भी तोड़ करके उस स्वभाव में जिसके विकल्प तोड़े उसमें लीन हो जाता है, ये इसका नाम, इसी 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 को समयसार कहना, और इसी समयसार का नाम कुनकुंदाचार्य अमृतचंद्राचार्य, उसकी दो संज्ञाएं हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। देखो पहले लिखा है, देखो टीका की अंतिम लाइन, टीका की अंतिम लाइन, इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, ये भवार्थ के पहले का जो आखिरी वो है पैरा, वो सेंटेंस उसमें लिखा है, वही समय सार, कब आत्मानुभव करे तो, नहीं तो नहीं, उसके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान संज्ञा नहीं है, ऐसा समझ में। इस प्रकार आज इसका भावार्थ है, अभी बाकी तीर्थंकर प्रभु की दिव्य ध्वनि जिन वाणी मां शत शत वंदन है, द्वादशांग अमृत वाणी में तो जग का सारा, मिथ्यात्व महावेरी जग का जिसने भव भ्रमण कराया है, ममता के झूठे सपनों ने दुखों का जाल बिछा, इस मिथ्या भ्रम का नाश करो सारा जग करता अभिवंदन,
विषयों की भीषण ज्वाला में दुनिया के प्राणी झुलस रहे, अपने को कभी न पहचाना, माया के जाल में। अब शरण तुम्हारी आए हैं, मैं तो हम सब का भव बंधन।